गुड मॉर्निंग इंडिया, सलाम आदाब सत श्री अकाल, कस्से काय केम छो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको आज का राशिफल बताने जा रहा हूं। आज का यानी कि 28/10/2019 का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आज के इस वीडियो में आपको इसी की जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले आज का सद्विचार सुन लें। बहुत छोटा है लेकिन ये छोटा है नहीं, बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। मित्रों, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं। बस यही दो लाइन का आज का सद्विचार था, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये मैंने खुद भी पढ़ी, मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन इससे मिली कि रास्ते वाकई में कभी खत्म नहीं होते हैं, मैं और आप अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। आइए आज का पंचांग आपको बता देता हूं कि आज का पंचांग क्या कहता है। आज तिथि जो है वो चतुर्दशी है, सॉरी, आज जो है तिथि वो अमावस है, यानी कि आज अमावस्या भी है और अमावस्या उपरांत प्रतिपदा है। स्वाति नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है, प्रीति योग है, सोमवार का दिन है आज, महादेव का दिन है और सन का यानी कि भगवान सूर्य का जो उदय होगा, सनराइज जो होगा, वो 6:29 AM में होगा। मून राइज आज यानी कि नहीं होगा, चंद्रोदय नहीं होगा। मून साइन आज चंद्र राशि तुला है। सनसेट जो होगा 5:39 PM में होगा और मून सेट जो होगा वो 6:04 PM में होगा। हेमंत ऋतु है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। आज का जो डे ड्यूरेशन होगा यानी कि दिन काल जो होगा, टुडे डे ड्यूरेशन इज 11 आवर 9 मिनट 46 सेकेंड। ये महीना जो चल रहा है वो चल रहा है कार्तिक, आप सभी को याद हो गया होगा। आज के लिए जो शुभ समय है जिसमें कोई बढ़िया काम कर सकते हो वो है 11:42 AM से लेकर के 12:27 PM तक का। मित्रों, आज का जो खराब समय है यानी कि राहु काल जो है वो है 7:53 AM से लेकर के 9:17 AM तक का आज राहु काल है। और कंटक जो है, जिसको मृत्यु भी कहा जाता है, वो योग जो है आज वो है 8:43 AM से लेकर के 9:28 AM तक। ये आज कंटक है, ये भी बहुत खराब समय होता है, मृत्यु योग इसको कहा जाता है। उसके बाद आज जो दिशाशूल है वो पूर्व की तरफ है, यानी कि आज आपको पूर्व दिशा में यात्रा बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यही थे मित्रों आज का सद्विचार और आज का पंचांग। मेष राशि फल यानी कि मेष राशि वालों का आज का दिन 28/10/2019 का दिन कैसा रहने वाला है, आइए हम जानते हैं। मित्रों, मेष के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रही है, जहाँ नाम अक्षर लिखा हुआ है उससे आगे जो अक्षर है, जैसे कि चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और ओ, अगर इनमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मेष होती है और आपके जो राशि स्वामी हैं वो मंगल देवता होते हैं और आपका जो जीवन रत्न है वो मूंगा होता है। मित्रों मित्रों, अगर आप कोई रत्न, अंगूठी, पत्थर, स्टोन, रिंग धारण करना चाहते हो तो मूंगा नाम का रत्न है, उसे आप निश्चित रूप से धारण कर सकते हो। मित्रों, अगर आप किसी कारणवश मूंगा को धारण करने में सक्षम नहीं होते हो तो आज मैं आपके लिए जीवन मंत्र भी बताने जा रहा हूँ, जिस मंत्र के जाप करने मात्र से भी जितनी फल की प्राप्ति आपको इस रत्न को धारण करने से होगी उससे कहीं ज्यादा आप उस मंत्र के जाप से भी प्राप्त कर सकते हो।
क्योंकि ये आपका कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये आपका जीवन मंत्र है मित्रों, जीवन मंत्र आपका ये है। और राशि मंत्र भी है, ग्रह मंत्र भी यही है, और इस मंत्र के जाप से आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा। आज सोमवार है और आपको ध्यान रखना है कि इस मंत्र का शुरुआत आपको कल से ही करना है, कल मंगलवार है, इसलिए कल के दिन स्नान वगैरह करके रेडी होकर के अच्छे से और इस मंत्र का जाप स्टार्ट कर देना है। मंत्र में आपको बता देता हूँ, जो हमारे पुराने व्यूअर होंगे वो तो जानते होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं वो नहीं जानते होंगे। मंत्र है, ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः, यही मंत्र है, ये आपका जीवन मंत्र है। और इसी मंत्र का आपको दैनिक 108 बार जाप करना है। शर्त ये है कि इस मंत्र के जाप का जो पहला दिन होगा वो मंगलवार होगा, और दूसरा शर्त ये है कि इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष के माला पर में ही करोगे। मित्रों रोज आप करो, महीने 2 महीने करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि आपका जो पहले का जिंदगी था कितना टफ था, और अभी जिंदगी कितनी सुलझ गई है, कितनी सरल हो गई है। तो आइए अब मैं आपको आज का राशिफल बता दूं, मेष राशि वालों का आज का दिन किस मामले में क्या कहता है। मित्रों आज मेष राशि वालों का जो स्वास्थ्य है, हेल्थ के मामले में समय बढ़िया है, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं आएगी, शारीरिक व्यायाम या वजन घटाने की कोशिश आपके रंग रूप को और भी निखारेगी और भी आपको सुंदर बनाएगी। धन संपत्ति के मामले में आज का दिन आपका बढ़िया नहीं है, इसलिए आर्थिक तंगी से बचने के लिए अपने तय शुदा बजट से दूर ना जाएं तो ही अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन भी आज आपका बढ़िया नहीं है, फैमिली में भी कुछ ना कुछ टेंशन कला हो सकती है, और आप को आपके परिवार वाले लोग ही दुखी कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, व्यवसाय के मामले में भी उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि घाटा ज़्यादा और फायदा कम दिखाई दे रहा है। पढ़ाई लिखाई करने में विद्यार्थियों का मन नहीं लगेगा, वहीं जो लोग नौकरी करते हैं नौकरी में भी कुछ परेशानी आ सकती है। वैवाहिक जीवन भी आज आपका बहुत खराब ही रहने वाला है, अच्छा नहीं है। जीवन साथी एक दूसरे से बनेगी नहीं, एक दूसरे पर में कीचड़ उछालने का प्रयास करेंगे, कुछ न कुछ किचकिच होती रहेगी। आज आपके लिए उपाय यह है कि घर में खाली पड़े बर्तनों में कांसे का एक टुकड़ा अगर आप रख देते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति कम से कम अच्छी होने की संभावना रहेगी। तो यही थी मेष राशि वालों की आज की राशि फल। वृषभ राशि वालों का आज का राशि फल, यानी कि वृषभ राशि वालों का 28/10/2019 का दिन कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मित्रों वृष के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है, जैसे कि ई ऊ ए ओ वा वी वू वे वो, इनमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो वृषभ हुई, आपके जो राशि स्वामी है वो शुक्र देवता हुए, और आपका जो जीवन रत्न है वो हीरा हुआ। मित्रों अगर आपका नाम वो नहीं, क्योंकि मेरे पास कल एक कमेंट आया था, गुरुजी मेरा नाम वो से नहीं बो से शुरू होता है, तो बो से भी अगर शुरू होता है तो भी आपकी राशि वृषभ ही हुई, क्योंकि बो जो है सो वो का ही अपभ्रंश है। तो बो अक्षर वालों का भी नाम जो है सो वृषभ राशि में ही आएगा। मित्रों अगर आप अपने लिए कोई रत्न अंगूठी धारण करना चाहते हो, कोई स्टोन पत्थर पहनना चाहते हो, तो आपके लिए वो रत्न का नाम है हीरा, जो कि शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो धारण करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सक्षम होंगे। जो लोग सक्षम है वो आराम से शौक से कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है उनके लिए दूसरा ऑप्शन यह है कि वो स्फटिक अथवा ओपल नाम का एक रत्न आता है, उसे भी धारण कर सकते हैं, उससे भी बराबर ही परिणाम की प्राप्ति होगी। मित्रों अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे गरीब भाई बहन हैं वो इसको भी धारण करने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए मैं आपको वो जीवन मंत्र बताने जा रहा हूँ जो शायद इससे ज़्यादा पावरफुल हो। मित्रों जीवन मंत्र जो है वो है ओम शुंग शुक्राय नमः,
ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपको दैनिक 108 बार जाप करना है रोज। और इस मंत्र का जाप का जो पहला दिन होगा वो होगा शुक्रवार। शुक्रवार से ही इस मंत्र का जाप आप स्टार्ट करोगे। और रुद्राक्ष के माला पर में इस मंत्र का जाप स्टार्ट करोगे और 108 बार कम से कम इस मंत्र का जाप करोगे। आप महीने 2 महीने करके देखो, आपको ये पता चल जाएगा महीने 2 महीने में ही कि आपकी पहले की जिंदगी कितनी उलझी हुई थी और अभी की जिंदगी कितनी सुलझी हुई है। ऐसा आपको ऑटोमेटिक अनुभव होने लगेगा। परेशानी तो आएगी लेकिन आपका कुछ कर नहीं पाएगी, वो ऑटोमेटिक लौट जाएगी, रिटर्न हो जाएगी वो। आइए अब आज का राशिफल बताऊं वृषभ राशि वालों का कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। मित्रों, वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य है, ना ही बहुत बढ़िया ना ही बहुत खराब, मिला जुला के ठीक ठाक चलने वाला है। और थोड़ा सा थकाऊ, थोड़ा सा उबाऊ ऐसा आपको लग सकता है। धन संपत्ति के मामले में भी कुछ ऐसा ही हाल है। बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं करोगे लेकिन खर्चा करोगे, स्टोरेज भी बढ़िया कर लोगे। पारिवारिक जीवन भी आपका ठीक रहने वाला है। फैमिली वाले सब कोई लोग मिला जुला करके आपकी बात को समझेंगे और फैमिली में सब लोग ऐसा चाहेंगे कि परिवार की खुशियों को बरकरार रखा जाए। और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आपकी जिद को भी वो पूरी करेंगे। पारिवारिक जीवन के बाद जो बात आती है वो बात है वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध की। तो वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन आपका उतना अच्छा नहीं है। आप लोग अपने जीवन साथी को लेकर के, प्रेमी प्रेमिका को लेकर के खरीदारी में कुछ तकरार कर सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा भी आप लोग कर सकते हैं। हाँ, व्यवसाय की बात करूँ तो व्यवसाय के मामले में आज आपको परेशानी जरूर होगी। बिजनेस आज आपका अच्छा नहीं चलेगा। बिजनेस में परेशानी के योग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थी को मन नहीं लगेगा। जो लोग नौकरी करते हैं नौकरी में भी परेशानी आएगी। उपाय क्या है? उपाय यह है कि अंध विद्यालय या अपाहिज आश्रम में मीठे चावल अगर आप बच्चों को खिलवाते हैं, जो लोग अंधे हैं उनको खिलाते हैं, जो लोग अपाहिज हैं उनको खिलाते हैं, मीठा चावल यानी कि खीर भी उसको आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, अगर आप उसे खिलाते हैं तो आपके नौकरी और बिजनेस में आपको निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में सफलता प्राप्त होगी। वृषभ के बाद जो बात आती है मित्रों, नहीं तो यही थी वृषभ राशि वालों की आज की राशिफल। मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल यानी कि 28/10/2019 का दिन मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए आपको बताता हूँ। मित्रों, मिथुन के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है जैसे कि का, की, कु, घ, र, ख, छ, के, को और ह, इनमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मिथुन हुई। आपका जो राशि स्वामी है वो बुध देवता हैं और आपका जो जीवन रत्न है मित्रों वो पन्ना हुआ। अगर आप कोई अंगूठी, रिंग, पत्थर, स्टोन, रत्न, जेम्स धारण करना चाहते हो तो पन्ना नाम का एक ऐसा रत्न है जिसे आप धारण कर सकते हो। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पन्ना को धारण करने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि पन्ना काफी महंगा कॉस्टली आता है। कम से कम बढ़िया क्वालिटी का अगर पन्ना आप धारण करते हो तो 15 से 20 हज़ार रुपये आपके खर्च हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जो धारण नहीं कर पाएंगे। लेकिन पन्ना का एक उपरत्न आता है जिसका नाम है ओनेक्स। ओनेक्स भी आप धारण कर सकते हो, वो आपको बढ़िया क्वालिटी का कम कीमत पर प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, जो लोग इसको भी धारण करने में सक्षम नहीं हैं उनके लिए मैं उनका जीवन मंत्र बताने जा रहा हूँ, जो बिना 1 रुपया खर्च किए हुए उससे ज़्यादा फल की प्राप्ति हो जाएगी। मंत्र है ओम बोंग बुधाय नमः, ओम बोंग बुधाय नमः, ओम बोंग बुधाय नमः, यही मंत्र है। इस मंत्र का आपको दैनिक 108 बार जाप करना है रोज रोज।
हाँ, स्टार्टिंग का इसका पहला दिन बुधवार होगा, क्योंकि आपके लिए जो शुभ दिन है वो बुधवार है। और दूसरा दूसरा ये कि आप इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष के माला पर में ही करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपका जीवन का लगभग परेशानी सॉर्ट आउट हो जाएगी केवल इस मंत्र के जाप से, इसलिए आपको इस मंत्र का जाप दैनिक करना चाहिए। आइए अब बताता हूँ आज का राशिफल। मित्रों, आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। आज का दिन थोड़ा सा परेशानियों भरा आपके लिए रहेगा, आप थोड़े से परेशान रहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन आपका अच्छा नहीं है। हेल्थ संबंधी इशू आएगी, स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको काफ़ी सतर्क रह करके चलना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो छोटी छोटी बातों पर में भी आप झुंझला जाएंगे और लोगों से लड़ाई झगड़ा करने में उतारू हो जाएंगे। और वहीं धन संपत्ति के मामले में भी आज का समय बढ़िया नहीं है। धन संपत्ति का खर्च ज़्यादा होगा, आमदनी नहीं के बराबर होगा। पारिवारिक जीवन आज आपका मिला जुला के ठीक ठाक रहने वाला है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन भी कोई खास नहीं है, ऐसा ही चलने वाला है। और जीवन साथी का हो सकता है तो स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। व्यवसाय की बात करूं तो बिजनेस आज आपका कोई बहुत बढ़िया नहीं चलने वाला है, इसलिए बिजनेस में भी काफ़ी सतर्क हो करके रहना होगा। आपके सामने कई सारी चुनौतियां भी आ सकती हैं, जिसे आपको बड़े दिमागी तौर पर में सुलझाना होगा। मित्रों, पढ़ाई लिखाई में जो लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, और जो लोग नौकरी करते हैं नौकरी करने वालों के लिए भी ये समय जो है तो कोई खास अच्छा नहीं रहने वाला है। इसलिए मित्रों, आज आपको बड़ा सतर्क होकर के मिथुन राशि वाले चलना पड़ेगा। बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ कि मिथुन राशि का एक भी पक्ष बढ़िया नहीं रहने वाला है आज। फिर भी उपाय बताता हूँ आपको। उपाय आपके लिए है कि माथे पर केसर का तिलक लगाएं, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो यही थे मित्रों मिथुन राशि वालों की आज की राशिफल। कर्क राशि वालों का आज का राशिफल, यानी कि जो लोग कर्क राशि के हैं उनका आज का दिन कैसा रहेगा, आइए आपको इस वीडियो में बताता हूँ। मित्रों, कर्क के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रही है, जैसे कि ही हू हे हो डा डी डू डे डो, इनमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कर्क हुई। आपके जो राशि स्वामी हैं वो चंद्रदेव हुए, और आपकी जो जीवन रत्न है वो मित्रों मोती हुई। अगर आप कोई रत्न, अंगूठी, रिंग, पत्थर ये सब कुछ पहनना अगर चाहते हो तो आप मोती नाम का एक रत्न है जिसको धारण निश्चित रूप से कर सकते हो। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें मोती धारण करने की भी क्षमता नहीं होगी, तो मैं आपको इसका दूसरा अल्टरनेट सॉल्यूशन दे रहा हूं, जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास दिन भर में 1000 से 1500 कॉल आते हैं, और बहुत सारे लोग उसमें से, मुझे लगता है कि 200-300 लोग तो ऐसे ज़रूर होते हैं जो कहते हैं कि मैं फीस जमा करने में सक्षम नहीं हूँ। तो उनको तो मैं उनके भविष्यवाणी तो नहीं बता पाता, लेकिन उनकी समस्या का समाधान मुफ्त में ज़रूर बता देता हूँ। तो वही मुफ्त इलाज मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। कर्क राशि वाले, आपको करना क्या है कि आपका जो जीवन मंत्र है वो है ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ये मंत्र है आपका। इस मंत्र का आपको दैनिक 108 बार, रोज 108 बार जाप करना है। लेकिन इसका जो पहला दिन होगा, शुरुआती दिन, वो सोमवार होगा, जो कि आज है, और आज से ही आपको इस मंत्र का जाप स्टार्ट कर देना है। अगर आज आप जाप करने में सक्षम नहीं हुए, आज आपने स्टार्ट नहीं की, तो फिर अगले सोमवार से ही आप इस मंत्र का जाप स्टार्ट कर पाओगे। तो मित्रों, आज आपके लिए ये काफ़ी अच्छा दिन होगा कि आप स्टार्ट कर लें। और दूसरी बात ये कि आप रुद्राक्ष के माला पर में ही इस मंत्र का जाप करेंगे। आप महीने दो महीने करके देखो, आपको पहले के जीवन में और अभी के जीवन में काफ़ी फर्क नज़र आने लगेगा। ऐसा लगेगा पहले कितनी उलझी हुई जिंदगी थी और अभी कितनी सुलझी हुई है।
आइए अब हम जानते हैं कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। मित्रों, जो लोग कर्क राशि के हैं उनका आज का दिन सेहत बढ़िया रहेगा। बैंक से जुड़े लेन देन में काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है आपको, और पारिवारिक जीवन आज आपका अच्छा नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी तो कोई परेशानी नहीं आएगी, हेल्थ संबंधी आपको अच्छा दिन है, आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है। धन संपत्ति के मामले में दिन अच्छा नहीं है, इसलिए आपको काफ़ी सतर्कता के साथ काम करना होगा। पारिवारिक जीवन भी आज आपका उतना बढ़िया नहीं है, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा जो आपको तनाव टेंशन देगा। आप आज रूहानी प्यार की मदहोशी भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन आपका बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम रहने वाला है। वैवाहिक जीवन का भी कुछ ऐसा ही हाल है, वैवाहिक जीवन भी आज आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। शादी के बाद वैवाहिक जीवन में प्यार सुनने में बड़ा मुश्किल शब्द लगता है, लेकिन आप आज इसे महसूस करेंगे, और महसूस ही नहीं करेंगे, यह मुमकिन भी है आपके लिए। हाँ, अब बात आती है आपके व्यवसाय की, बिजनेस की, तो बिजनेस के मामले में समय आज आपका बढ़िया है। रचनात्मक काम में लगे लोगों के लिए सफलता से भरा दिन होगा, उन्हें वह शोहरत और पहचान मिलेगी जिनकी उन्हें एक अरसे से तलाश थी। मित्रों, जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों के लिए भी आज का दिन बढ़िया बेहतरीन रहने वाला है। विद्यार्थी आज बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और कुछ न कुछ रचनात्मक और कुछ न कुछ क्रिएटिव जरूर करेंगे। और जो लोग नौकरी में हैं, नौकरी करने वालों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है, बढ़िया सफलता प्राप्त होगा और नौकरी में सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। जो भी काम आज आप करोगे उसमें आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। आज के लिए उपाय आपके लिए क्या है? उपाय आपके लिए है कि घर में रोटी या फल आदि रखने के लिए बांस, बेंत, सरकंडा की टोकरी, ट्रे का प्रयोग करें, अगर हो सकता है पॉसिबल तो। आपकी पारिवारिक जीवन जो है वो सुखद रहेगी, अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यही थी कर्क राशि वालों की आज की राशिफल। सिंह राशिफल 28/10/2019, यानी कि सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए आपको बताता हूँ। मित्रों, सिंह के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है, जैसे कि मा, मी और मौ भी, मु, मे, मो, टा, टी, टू, टे, इंक्लूडिंग मौ और टौ, जहाँ पर में आकार आता है, जैसे कि मा, टा, तो यहाँ पर में आप समझ लो कि इसका जो पहला अक्षर है वो मौ ही है। जैसे माँ है तो मौ प्लस माँ बराबर माँ होता है, तो मौ अक्षर वालों का भी नाम जो है सो सिंह ही होगा, और ट अक्षर वालों का भी नाम सिंह ही होगा। आपके जो राशि स्वामी है वो सूर्य देवता है, और आपका जो जीवन रत्न है वो माणिक्य है। मित्रों, मित्रों अगर आप कोई रिंग, अंगूठी, रत्न, जेम्स धारण करना चाहते हो, जो लोग जिस भाषा में जो भी कहते हो, अगर आप धारण करना चाहते हो तो आपके लिए माणिक्य नाम का रत्न है जिसको आप धारण कर सकते हो, जो कि एक बहुत बढ़िया रत्न है। ऐसे भी जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको माणिक्य धारण करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हमारे दोस्त, मित्र, बंधु होंगे जो इस रत्न को धारण करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि महंगा आता है। तो जो लोग सक्षम नहीं हैं उनके लिए आज मैं उनका जीवन मंत्र भी बताने जा रहा हूँ, जिसका प्रयोग वो रविवार से करेंगे। मंत्र है आपके लिए ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, यही मंत्र है। इस मंत्र का आपको दैनिक यानी कि डेली 108 बार जाप करना है रोज। और दूसरा शर्त यह है कि इस मंत्र का जाप जो आप करोगे वो रुद्राक्ष के माला पर में करोगे दैनिक रूप से, और अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो आप सूर्य को दैनिक जल दो, रोज जल दो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज इनका दिन किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहने वाला है। सिंह राशि वालों का आज का दिन, मित्रों आज रचनात्मक काम करके आपको सुकून मिलेगा, और आपको तुरंत किसी भी चीज से जो मजे लेने की आदत है उसको आप छोड़ दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा।
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपका बढ़िया है। स्वास्थ्य से संबंधित आज आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आने वाली है। हाँ, धन संपत्ति के मामले में आज आपका समय बढ़िया नहीं है, और मनोरंजन पर में काबू करें, इस पर ज़्यादा पैसे खर्च ना करें। सामाजिक कामों में, सामाजिक उत्सवों में अपना सहयोग दें, सहभागी बने, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका प्रभाव लोगों पर में पड़ेगा। बात करूं परिवार की, तो पारिवारिक जीवन भी आपका आज बढ़िया रहने वाला है। प्यार मोहब्बत से आज आप लोग रहोगे, बढ़िया जिंदगी जियोगे। आज परिवार में सभी लोग आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे, और जैसा कहोगे वैसा करेंगे भी। बात करूं प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन आपका बढ़िया है। अगर आप खुले दिल से अपनी बात रखें तो आपकी मोहब्बत आज आपके सामने प्यार के फरिश्ते के रूप में आएगी। नई चीज़ों को सीखने की आप में एक ललक है जो काबिले तारीफ है। आपके बिजनेस की बात करूं, तो बिजनेस के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बड़ा चमत्कारिक सिद्ध होगा बिजनेस के मामले में। आज आपको फायदा ही फायदा दिखाई दे रहा है। जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी आज का दिन बढ़िया है। जल्दीबाजी में कोई फैसला ना ले, नहीं तो जिंदगी में आपको आगे पछताना पड़ सकता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए फिर भी ये दिन बढ़िया है। और जो लोग नौकरी में हैं, नौकरी करने वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कहीं से कोई परेशानी नहीं आने वाली है। शादी यानी कि वैवाहिक जीवन के मामले में आज का दिन आपका ठीक है, 80% से ज़्यादा बढ़िया है। और आपको शादी से ऐसा लगता होगा शादी के बाद कि ज़िंदगी बोरिंग हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आपको महसूस होगा कि वैवाहिक जीवन कितना जरूरी है। आज आपके लिए उपाय ये है कि आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए गाय को अगर आप गुड़ खिलाते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो मित्रों, यही थी सिंह राशि वालों की आज की राशि फल। कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, यानी कि कन्या राशि फल 28/10/2019। मित्रों, कन्या के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रही है, जैसे कि ढो, पा, पी, पू, स, न, ठ, पे, पो और पौ भी, इनमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कन्या हुई। आपके जो राशि स्वामी है वो बुध देवता है, और आपका जो जीवन रत्न है वो पन्ना है। मित्रों मित्रों अगर आप कोई रत्न, अंगूठी, पत्थर, स्टोन, रिंग धारण करना चाहते हो तो पन्ना नाम का एक रत्न है जिसे आप धारण कर सकते हो। लेकिन पन्ना कोई सस्ता रत्न नहीं है, इसको धारण करने में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। तो हमारे बहुत सारे मित्र बंधु ऐसे होंगे जो पन्ना को धारण नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए, जो थोड़ा मिडिल वर्ग के लोग हैं, उनके लिए है ओनिक्स, पन्ना का उपरत्न, उसका नाम है ओनिक्स। ओनिक्स नाम का रत्न वो धारण कर सकते हैं, उससे उनको काफी फायदा मिलेगा। कुछ हमारे गरीब वर्ग के, गरीब तबके के, हमारे जैसे जो लोग हैं उनके लिए ओनिक्स धारण करना भी संभव नहीं होगा। हो सकता है वो भी धारण ना कर पाए। तो उनको मुफ्त का ऐसा इलाज चाहिए जो इन दोनों पैसा खर्च करने वालों से ज़्यादा पावरफुल हो। जिसके पास समय नहीं है वो पैसा खर्च करके वो काम करेगा, जिसके पास समय है वो पैसा ना खर्च करके वो काम को करेगा। आपको मैं बताने जा रहा हूँ आपका जीवन मंत्र, जिसके जाप करने मात्र से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। मित्रों, मंत्र है आपके लिए ओम बंग बुधाय नमः, ओम बंग बुधाय नमः, ओम बंग बुधाय नमः। यही मंत्र है आपके लिए। इस मंत्र का आपको दैनिक रोज जाप करना है, रोज, वो भी 108 बार। लेकिन हाँ, इसमें शर्त है दो, कि इस मंत्र का जाप आप बुधवार से ही स्टार्ट करोगे। बुधवार के दिन से इसका जाप शुरू करोगे, स्नान वगैरह करके। और दूसरा शर्त ये है कि इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष के माला पर में ही करोगे, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मित्रों, आइए अब मैं आपको बताता हूँ कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा।
दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफ़ी आराम महसूस करेंगे। आप घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में होंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है मित्रों, क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से तो आज का दिन आपका बढ़िया है, लेकिन धन संपत्ति के मामले में आज का दिन आपका बढ़िया नहीं है। मित्रों, आप अनुभव करेंगे कि आपके प्रिय का आपके प्रति प्यार वाकई बहुत गहरा है। अगर आप अपनी योजनाओं को सबके सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते तो आप अपनी परियोजनाओं को खराब भी कर सकते हैं। मित्रों, आज का पारिवारिक जीवन आपका बढ़िया नहीं रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज का समय आपका बड़ा चमत्कारिक रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे पर में प्यार की बारिश भी करेंगे। वैवाहिक जीवन के कई फायदे भी होते हैं और आप उन्हें आज हासिल भी कर सकते हैं। हाँ, व्यवसाय के मामले में आज समय थोड़ा जरूर आपका मंदा रहने वाला है, उतना अच्छा नहीं है। पढ़ाई लिखाई में भी आज आपका मन नहीं लगेगा। त्यौहार का सीजन था, त्यौहार का दिन था और जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी आज का दिन उतना कोई खास नहीं रहने वाला है। उपाय आपके लिए ये है कि पीले रंग की कांच की बोतल में पानी भरकर धूप में रखें व उस पानी का सेवन करने से पारिवारिक जीवन जो है आपका वो बढ़िया हो जाएगा। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, कुछ नहीं करना है, बस यही काम करो आप, आपके लिए बढ़िया समय रहेगा। तो मित्रों, यही थी कन्या राशि वालों की आज की राशिफल। तुला राशि वालों का आज का राशिफल यानी कि तुला राशि वालों का 28/10/2019 का दिन कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मित्रों, तुला के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रही है, र, रा, री, रू, रे, रो, त, ता, ती, तू, ते, इनमें से अगर किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो तुला होती है और आपके जो राशि स्वामी होते हैं वो शुक्र देवता होते हैं और आपका जो जीवन रत्न होता है वो ओपल अथवा हीरा होता है। मित्रों, अगर आप कोई रत्न, अंगूठी, पत्थर, रिंग धारण करना चाहते हो तो आप ओपल अथवा हीरा नाम का रत्न धारण कर सकते हो, क्योंकि हीरा काफ़ी महंगा है। मैंने अभी तक जितने भी लोगों को हीरा दिया है वो या तो सेलिब्रिटी है नहीं तो राजनेता है। ओपल आप धारण कर सकते हो, मीडियम वर्ग के जो लोग हैं वो ओपल धारण कर सकते हैं और जो लोग ओपल धारण करने में सक्षम नहीं हैं वो लोग स्फटिक धारण कर सकते हैं, और जो भाई बहन स्फटिक धारण करने में भी सक्षम नहीं हैं उनके लिए हमारा सुझाव है उनका जीवन मंत्र, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो उसके पास समय नहीं है और जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है। तो जिसके पास समय है वो समय का सदुपयोग करके उतना ही फल प्राप्त कर ले और जिसके पास पैसा है वो समय की बचत करके उतना ही फल प्राप्त कर ले। जिसके पास पैसा है वो रत्न धारण करे, जिसके पास पैसा नहीं है वो मंत्र का जाप करे। मंत्र आपके लिए क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपका जीवन मंत्र है, कोई साधारण मंत्र नहीं है। ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः। मित्रों, इस मंत्र का आपको दैनिक 108 बार जाप करना है, रोज रोज 108 बार जाप करना है। शर्त यह है कि इस मंत्र का जाप आप शुक्रवार से स्टार्ट करोगे और दूसरा शर्त यह है कि इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष के माला पर में करोगे। फिर आप देखोगे महीने दो महीने जाप करने के बाद कि आपके जीवन में ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको दैनिक जाप करना है, शुक्रवार से स्टार्ट करोगे और रुद्राक्ष के माला पर में रोज करोगे, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। मित्रों, आइए तुला राशि वालों का आज का दिन देखें कैसा है। 28 अक्टूबर, तुला राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहने वाला है, ना ही कोई बढ़िया ना ही कोई खराब, मिला जुला के ठीक ठाक रहने वाला है। किसी सज्जन पुरुष की दैवीय बातें आपको संतोष और ढाढ़स बंधाएंगी, आपके मन में जल्दी पैसा कमाने की इच्छा, तीव्र इच्छा पैदा हो जाएगी
और आज का दिन धन संपत्ति के मामले में क्योंकि बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बड़ा चमत्कारिक है, इसलिए आप जल्दी पैसा कमाने का कोई ना कोई जुगाड़ भी निकाल ही लोगे। मित्रों, बात करूँ आपके पारिवारिक जीवन की, तो आपका पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ भी आज बढ़िया है। जिनके बच्चे हैं उनके बच्चे आज कुछ ना कुछ ऐसा प्रदर्शन करेंगे जो आपके खुशियों का कारण बन जाएगा, और जिनके नहीं हैं उनका खुद का ही कुछ ऐसा काम होगा जिसके कारण वो खुश हो जाएंगे, उनका फैमिली लाइफ बढ़िया चलेगा। हाँ, आज का दिन आपके लिए प्रेम संबंध के मामले में बढ़िया नहीं है, थोड़ा टेंशन, थोड़ा तनावपूर्ण, परेशानियों भरा रह सकता है, जिसके कारण से मानसिक परेशानी आपको हो सकती है। वैवाहिक जीवन का भी आज आपका कुछ ऐसा ही हाल रहने वाला है। जो लोग शादीशुदा हैं उनको चाहिए कि जीवन साथी के खराब व्यवहार का नकारात्मक असर अपने ऊपर ना पड़ने दें, नहीं तो रिश्ते में तनाव ज़्यादा आ सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, तो काफ़ी सतर्कता के साथ संभल के चलना होगा, नहीं तो परेशानी आप ही को होगी। पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थी को मन नहीं लगेगा, नौकरी करने वाले लोगों को भी आज परेशानी होगी। उपाय आपके लिए क्या है? उपाय ये लिए ये है आपके लिए कि भैरव जी को प्रसाद चढ़ाएं। भैरव जी को प्रसाद चढ़ाने से आज आपका दिन जो है सो कुछ न कुछ ठीक जरूर होगा। तो मित्रों, यही थी तुला राशि वालों की आज की राशि फल। वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि यानी कि 28 अक्टूबर 2019 का दिन आप सभी के लिए किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब है, इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, वृश्चिक के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रही है, अगर उनमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि वृश्चिक हुई। आपके राशि स्वामी हुए मंगल देवता और आपका जीवन रत्न मूंगा हुआ। अगर आप कोई पत्थर, स्टोन, रिंग पहनना चाहते हो तो मूंगा धारण कर सकते हो। अगर धारण करने में सक्षम नहीं हो तो आपको मैं आपका जीवन मंत्र बता देता हूँ। ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः। इस मंत्र का आपको दैनिक जाप करना है 108 बार, और इस मंत्र का जाप का जो पहला दिन होगा वो मंगलवार होगा। दूसरा शर्त ये है कि इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष के माला पे करोगे। आइए अब बताता हूँ आपको कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। मित्रों, आज का दिन आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बढ़िया रहने वाला है, और धन संपत्ति के मामले में भी बड़ा तगड़ा, बड़ा सुंदर रहने वाला है। आपका दानशीलता का व्यवहार आपके लिए छुपे हुए आशीर्वाद की तरह सिद्ध होगा, क्योंकि यह आपको शक, अनास्था, लालच और आसक्ति जैसे खराबियों से बचाएगा। रियल एस्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। अगर आप दफ्तर में अतिरिक्त समय लगाएंगे तो आपकी घरेलू जिंदगी पर नकारात्मक असर पड़ेगा और आपकी आकर्षक छवि मनचाहा परिणाम देगी। मित्रों, व्यापारियों के लिए ये अच्छा दिन है। बिजनेस करने वालों को बढ़िया परिणाम मिलेगा, लेकिन पारिवारिक जिंदगी आपकी अच्छी नहीं रहेगी। आज पारिवारिक जिंदगी में आज आपको परेशानी आएगी। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के मामले में आज का समय आपका बड़ा चमत्कारिक, बड़ा अद्भुत रहने वाला है। व्यवसाय के मामले में आज का समय आपका बढ़िया है। बिजनेस भी आज आपका बढ़िया चलेगा। बिजनेस बढ़िया ही नहीं चलेगा, आपको आज कई मामलों में बेनिफिट होने के संभावना नजर आ रही है। व्यवसाय में अचानक से कोई यात्रा आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगी। कोई परेशानी भी आएगी तो उसको आप मुस्कुरा करके दरकिनार कर देंगे। पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है, विद्यार्थी के लिए और जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी आज का दिन वाकई में चमत्कारिक रहने वाला है। उपाय आपके लिए ये है कि सद्विचार का पालन करने से सूर्य प्रसन्न होते हैं और आपकी फैमिली लाइफ में जो है सो खुशियाँ बढ़ेगी। तो मित्रों, यही थे वृश्चिक राशि वालों की आज की राशि फल। धनु राशि वालों की आज का राशि फल यानी कि सोमवार 28 अक्टूबर 2019 का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मित्रों, धनु के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रही है, जैसे कि ये यो भ भा भी भू धा ध फा ठा ठ और भे, इनमें से अगर किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो धनु हुई, आपके जो राशि स्वामी हैं वो बृहस्पति देवता हुए, और आपका जो जीवन रत्न है वो पुखराज हुआ। मित्रों, अगर आप कोई रत्न, अंगूठी, स्टोन, पत्थर अगर धारण करना चाहते हो, धारण करने की इच्छा रखते हो, तो आप पुखराज नाम का एक रत्न आता है, एक जेम्स आता है, जिसको आप धारण कर सकते हो।
क्योंकि पुखराज एक महंगा रत्न है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको धारण करने में सक्षम नहीं होंगे। तो मित्रों, जो लोग पुखराज को धारण करने में सक्षम नहीं है, तो पुखराज का एक उपरत्न आता है जिसका नाम है सुनैला, जो कि बिल्कुल देखने में पुखराज जैसा ही होता है। तो उसको भी आप धारण कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे होंगे जो उसको भी धारण करने में सक्षम नहीं होंगे। तो उन सभी जैसे मित्रों के लिए मैं आपको आपका जीवन मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिस मंत्र के जाप करने मात्र से आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और आपको एक नया जीवन प्राप्त होगा। मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। ब्रिंग जो है इसमें वो बीज मंत्र है, बड़ा बहुत बीज मंत्र का होता है, गुप्त मंत्र है ये। इसको जब जाप करोगे तो इसकी आवाज़ किसी दूसरे के कान में नहीं जानी चाहिए, मन ही मन इस मंत्र का जाप करना है। इसमें दो शर्त है, एक शर्त ये है कि बृहस्पतिवार के दिन से इस मंत्र का जाप प्रारंभ करोगे, और दूसरा शर्त ये है कि इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष के माला पर में करोगे, बड़ा चमत्कारिक साबित होगा। महीने दो महीने के बाद आप गौर करोगे, वैसे तो 43 डेज होता है, 43 दिन, लेकिन फिर भी महीने दो महीने के बाद आप गौर करोगे कि आपके पहले के ज़िंदगी में और अभी की ज़िंदगी में कितना अंतर हो गया है, कितना ज़्यादा परेशानियाँ रहती थी पहले की ज़िंदगी में जो सुलझ नहीं पाती थी, अभी कैसे सब सुलझती चली जा रही है। तो आप इस मंत्र का जाप करोगे। आइए अब मैं आपको बताता हूँ धनुराशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। मित्रों, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपका बड़ा बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आज आपको नहीं आने वाली है। अगर शारीरिक बीमारी के सही होनी की काफ़ी संभावनाएं हैं, और इसके चलते आप शीघ्र ही खेल कूद में हिस्सा लेना अगर चाहते हैं तो ले पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसकी ठीक होने की आज संभावना ज़्यादा है, आपको सुधार देखने को मिलेगा, और बहुत जल्द अगर आप खेल कूद में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे। मित्रों, बात करूं आपके धन संपत्ति की, तो धन संपत्ति के मामले में आज का समय आपके लिए बढ़िया नहीं है। धन संपत्ति के मामले में आज आपको परेशानी आ सकती है, पैसे का स्टोरेज नहीं कर पाओगे। अगर कहीं पर में आप निवेश करना चाहते हो तो उसकी भली भांति जाँच कर लें, क्योंकि उसमें पैसा डूबने का चांस ज़्यादा है। धन संपत्ति के बाद जो बात आती है वो बात आती है आपके परिवार की, तो आपका पारिवारिक जीवन भी आज बढ़िया नहीं रहने वाला है। आपका मूड थोड़ा अजीब सा रहेगा, आपका कोई करीबी आज काफ़ी अजीब मूड में होगा और उसे समझाना लगभग असंभव ही साबित होगा, जिस कारण से आज आपका पारिवारिक जीवन ठीक नहीं रहेगा। हाँ, प्रेम संबंध के मामले में आज का समय आपका सामान्य है, ना ही बहुत बढ़िया ना ही बहुत खराब, मिला जुला के ठीक ठाक रहने वाला है। वहीं बात करूँ व्यवसाय की, तो बिजनेस के मामले में भी आज आपको काफ़ी संभल के चलना होगा, क्योंकि बिजनेस आज आपका अच्छा नहीं चलने वाला है, और बहुत जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको बिजनेस में किसी को उधार वगैरह आज देना चाहिए, नहीं तो उधार ना दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा नहीं है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उन्हें, और नौकरी करने वालों को भी आज सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो काम करेंगे उनमें निगेटिव देखने को मिलेगी और लोग आपके निगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। और मित्रों, आज के लिए आपके लिए उपाय क्या है? उपाय यह है कि धन प्राप्ति के लिए दूध अथवा जल में केसर डाल करके अगर आज आप उसका सेवन करते हैं, पीते हैं, तो आज आपके लिए धन संपत्ति के मामले में कुछ अच्छा होने की संभावना जाग जाएगी। तो यही थी धनुराशि वालों की आज की राशिफल। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। आज का दिन यानी कि सोमवार 28 अक्टूबर 2019 का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा है, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मित्रों, मकर के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहे, जैसे कि भो, जौ, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गौ, गा और गी, इन सब में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मकर होती है। आपके जो राशि स्वामी होते हैं मित्रों, वो शनिदेव होते हैं, और आपका जो जीवन रत्न होता है वो नीलम होता है। जो मित्र हमारे इस रत्न को धारण करना चाहते हैं, अपने जीवन रत्न को धारण करना चाहते हैं, तो मैं उनको नीलम धारण करने की सलाह नहीं दूंगा। आपका अगर जीव जन्म राशि अगर मकर है, नाम राशि नहीं, जन्म राशि अगर मकर है, तो आप नीलम के बदले नीली, उसका एक उपरत्न आता है, उसको धारण कर सकते हो। इन सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप मकर राशि वाले अपने जीवन मंत्र का जाप करो, आपके लिए बड़ा चमत्कारिक साबित होगा।
जीवन मंत्र है आपका ओम शंग शनिचराय नमः, ओम शंग शनिचराय नमः, ओम शंग शनिचराय नमः। ये मंत्र है आपका जीवन मंत्र। इस मंत्र का आपको दैनिक 108 बार जाप करना है रोज। शर्त यह है कि इस मंत्र के जाप का जो पहला दिन होगा वो शनिवार होगा, और दूसरा शर्त यह है कि इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष के माला पर में ही करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मित्रों, 1 महीने 2 महीने आप इस मंत्र का जाप करके देखो, आपको बड़ा चमत्कारी का अनुभव होगा। पहले की जिंदगी में और तात्कालिक जिंदगी में आपको क्या फर्क है वो देखने को मिल जाएगा। आइए मकर राशि वालों का बताता हूँ आज का दिन कैसा रहने वाला है। मित्रों, मकर राशि वालों का आज स्वास्थ्य के मामले में समय बढ़िया रहने वाला है। हेल्थ संबंधी ज़्यादा कोई इशू नहीं आने वाली है। अगर आप ध्यान और योग का सहारा लेते हैं तो आज आपका दिन और भी बढ़िया रहेगा स्वास्थ्य के मामले में। धन संपत्ति के मामले में बड़ा चमत्कारिक दिन रहने वाला है। पैसा आप बचाओगे, ज़्यादा खर्चा कम करोगे, आमदनी के नए नए स्रोत आप खुद ही बनाओगे और कई सारे स्रोतों से बाद में जा करके आपको पैसे प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन भी आज आपका सामान्य रहने वाला है, ना ही बहुत बढ़िया ना ही बहुत खराब, मिला जुला के ठीक ठाक रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करूँ तो प्रेम संबंध के मामले में तो जैसे आपको आज पर लग गए हैं, मोहब्बत के मोर्चों पर आज आपकी तूती बोलेगी, क्योंकि आपका मोहब्बत आपकी रसिक कल्पनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार है। मित्रों, आज व्यवसाय के मामले में आपका समय जरूर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए व्यवसाय के मामले में आपको बड़ा संभल के चलना होगा। पढ़ाई लिखाई करने में विद्यार्थियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कुछ अगर रिजल्ट वगैरह आने वाले हैं तो बहुत अच्छा, एज एक्सपेक्टेड परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। मित्रों, जो लोग नौकरी में हैं, नौकरी करने वालों को आज कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है। हाँ, वैवाहिक जीवन फिर आपका आज बढ़िया रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में आज आप जीवन साथी की मासूमियत आपके दिन को आज बहुत खास बहुत सुंदर बना देगी। आपके लिए उपाय यह है कि नौकरी और बिजनेस में तरक्की हेतु धार्मिक विचार, ईश्वर पर आस्था और परोपकार की भावना को बढ़ाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो मित्रों, यही थी मकर राशि वालों की आज की राशिफल। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा आइए आपको बताता हूँ। मित्रों, कुंभ के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है जैसे कि गु गे गो शौ शा सी शु से शो द और दा, इनमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कुंभ होती है और आपके जो राशि स्वामी होते हैं वो शनि देव होते हैं। आपका जीवन रत्न जो होता है मित्रों वो नीलम होता है। आपका जीवन रत्न जो होता है वो नीलम होता है, लेकिन मैं आपको नीलम धारण करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। अगर आप धारण करोगे तो अपने रिस्क पे करोगे, क्योंकि नीलम एक ऐसा चमत्कारिक और खतरनाक रत्न है जो पल भर में 24 घंटे के अंदर में अपना परिणाम दिखाता है और रंक को राजा बना सकता है और राजा को रंक बनाने की क्षमता है नीलम में। तो मैं आपको नीलम धारण करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। हाँ, अगर आपका जन्म राशि कुंभ है तो नीलम के जगह पर में आप नीली, उसका उपरत्न आता है, उसको जरूर धारण कर सकते हो। मित्रों, जो लोग नीली भी धारण करने में सक्षम नहीं है, आप सभी के लिए मैं आपका जीवन मंत्र, राशि मंत्र, ग्रह मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसके जाप करने मात्र से 108 बार रोज, 3 मिनट का काम है, जाप करने मात्र से आपके जीवन के सभी समस्याओं का अंत होगा। आपके जीवन में जो इतनी परेशानी आ रही है, जो उलझने आ रही हैं, बार बार आप परेशान रहते हो, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। आप केवल महीने 2 महीने करके देखो इसका जाप, आपको पहले की जिंदगी में और तात्कालिक जिंदगी में फर्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आइए आइए मंत्र बताता हूँ। मंत्र है ओम शंग शनिश्चराय नमः, ओम शंग शनिश्चराय नमः, ओम शंग शनिश्चराय नमः। कुछ लोग इसको शनिश्चराय भी पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको शनिश्चराय भी पढ़ते हैं, तो आपको जो पढ़ने में सुविधा हो आप वो पढ़ें। इसमें संग जो है सो इसका बीज मंत्र है।
मित्रों दैनिक जाप करें इस मंत्र का 108 बार। शनिवार से इस मंत्र का जाप स्टार्ट करें और रुद्राक्ष की माला पर में ही करें। बड़ा चमत्कारिक मंत्र है ये। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों का आज का दिन स्वास्थ्य के मामले में अच्छा नहीं है। अकेलेपन और तन्हाई की भावना से बाहर आएं और परिवार के साथ कुछ पल बिताएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। धन संपत्ति के मामले में भी आज का दिन बढ़िया नहीं है आपका। तंग आर्थिक हालात के चलते कोई अहम काम आपका बीच में अटक सकता है। पारिवारिक जीवन आपका मिला जुला के ठीक ठाक रहेगा। रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा और दिमागी बोझ में भी कमी आएगी। दिमागी बोझ से भी छुटकारा आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंध की बात करूँ तो प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन आपका बढ़िया है। बड़ा चमत्कारिक, बड़ा अद्भुत, बड़ा सुंदर रहने वाला है प्रेम संबंध के मामले में। और संभव है कि कोई आपसे अपने प्यार का इजहार भी कर सकता है। किसी भी तरह की साझेदारी करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुने, क्योंकि व्यवसाय का दिन आज आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। बात करूं वैवाहिक जीवन की तो वैवाहिक जीवन के मामले में आज आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज के दिन यात्रा, मनोरंजन और लोगों से मिलना जुलना होगा। जीवन साथी के साथ आज की शाम वाकई कुछ खास होने वाली है। बड़ा अद्भुत, बड़ा चमत्कारिक रहने वाला है। उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। उपाय यह है कि ओम बुंग बुधाय नमः, आपका जीवन मंत्र जबकि दूसरा है, फिर भी क्योंकि आज आपका बुध खराब है और बुध के खराब होने के कारण आपकी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होने वाली है, इसलिए आज आप बुध की पूजा करें और मंत्र का जाप करें, ओम बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र का सुबह में भी और शाम में भी हो सके तो 108 बार करें, नहीं तो 11 11 बार दोनों टाइम कर लें। आपका स्वास्थ्य जो है, हेल्थ संबंधी इशू जो है, वो ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। तो मित्रों यही थी कुंभ राशि वालों की आज की राशि फल। मीन राशि वालों का आज का राशि फल यानी कि सोमवार 28 अक्टूबर 2019 का मीन राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मित्रों मीन के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रही है, अगर उनमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मीन हुई, आपकी राशि स्वामी बृहस्पति देवता हुए, आपका जीवन रत्न जो है वो पुखराज हुआ। आइए आपका जीवन मंत्र भी मैं आपको बता दूं। आपका जीवन मंत्र जो है वो है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का आपको दैनिक 108 बार जाप करना है, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। हाँ, इस मंत्र का जाप आप बृहस्पतिवार से स्टार्ट करोगे और रुद्राक्ष के माला पर में करोगे। आइए देखते हैं मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा है। मित्रों मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानी नहीं आने वाली है। हेल्थ वाइज बहुत सारे इशू जो है वो सॉल्व हो जाएंगे और आपके लिए बड़ा चमत्कारिक दिन रहेगा। धन संपत्ति के मामले में आज का दिन आपका जरूर खराब रहने वाला है, इसलिए पैसे किसी को देने से पहले 100 बार सोचें। और पारिवारिक जीवन भी आज आपका बढ़िया नहीं रहने वाला है, या तो आपके खुद के कारण नहीं तो किसी दूसरे सदस्य के कारण फैमिली में कुछ टेंशन तनाव हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में आज का समय आपका अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन आपका तनाव से भरा रहेगा और प्रेम संबंध में भी आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच में कुछ टेंशन तनाव के कारण नुकसान हो सकते हैं। व्यवसाय के मामले में जरूर आज आपका दिन बड़ा चमत्कारिक है, बड़ा अद्भुत है। बिजनेस के मामले में आज आपको फायदा ही फायदा होगा और बिजनेस के मामले में घाटा का चांस बिल्कुल भी नहीं है आज। और पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। और जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी आज का दिन बढ़िया है। उपाय आपके लिए है कि गर्लफ्रेंड अथवा बॉयफ्रेंड से मिलने जाने से पहले घर से चीनी खा करके निकलना आपके लव लाइफ के लिए आज ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मित्रों यही थी मीन राशि वालों की आज की राशिफल। तो मित्रों यही थी आज की राशिफल, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य होगी। और उम्मीद करता हूँ कि दीपावली आपने बड़े जोर शोर से मनाया होगा, बहुत अच्छे तरीके से मनाया होगा, बहुत खुशी हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।